नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 21वें दिन की कथा। 21वें अध्याय में मुनि वाल्मीकि जी का दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि बताना। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ से स्पर्श करके उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले जो स्वर्ण आदि धातु थी वह वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें देवता का वास नहीं होता। अतः हे राजन, अन्य देवताओं की मूर्ति में भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। यजुर्वेद के अनुसार मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम के बीज मंत्र से करनी चाहिए। मंत्रवेत्ता ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर मंत्रों द्वारा हृदय में भी प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं। इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, यह प्रतिमा पूजा के लिए देवत्व को प्राप्त हो, स्वाहा। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र कहते हुए वेद संबंधी मूल मंत्र व अन्य मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह, मूल मंत्र व अंग मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह प्राण प्रतिष्ठित करें, अथवा नाम मंत्रों से चतुर्थी विभक्ति व अंत में स्वाहा लगाकर उन देवताओं का अनुसरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स के चिन्हित हृदय वाले शांत नील कमल दल के समान कांति वाले त्रिभंग मनोहर आकृति वाले ऐसे श्री राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण संकल्प करके नियम धारण करके मौन होकर पवित्र हो 16 उपचारों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। आवाहन। हे देव देवेश, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका सहित मेरे द्वारा दिए गए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर उनका आवाहन करें। हे पुरुषोत्तम देव देवेश, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित स्वर्ण से शोभित ऐसे आसन को ग्रहण करें, यह कहकर आसन समर्पण करें। हे पुरुषोत्तम देव देवेश, जो आसन मुझसे उपलब्ध हो पाया वह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऐसे प्रेम पूर्ण आसन को ग्रहण करें, यह कहकर भी आसन समर्पित कर सकते हैं। मेरे द्वारा गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ सुखदायक स्पर्श करने योग्य जल पाद्य अर्थात पांव पखारने के लिए ग्रहण करें। हे हरि, गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोपराज नंद के घर में उत्पन्न हुए आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्धे को ग्रहण करें। हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, शुद्धि से लाए हुए तथा स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधा सहित जगत के नियंता हरि आपकी पूजा से मेरे कार्य सिद्ध हो। हे नंद नंदन, हे राधिका नंददायक, गौ का दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, इनसे युक्त पंचामृत ग्रहण करें, ऐसा कहे पंचामृत से स्नान कराएं। हे नाथ, योगेश्वर, गिरधारी, यज्ञपति गोविंद, आपको नमस्कार है। हे नंद नंदन, मेरे द्वारा दिए गए गंगा जल की भांति निर्मल नदी व तीर्थ का जल स्नान के लिए ग्रहण करें। हे देव, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित किए गए इन दो पीतांबर को ग्रहण करें, ऐसा वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन करावे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, यह संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें, और यह कहकर अंगोष्ठा सहित यज्ञोपवीत देवें। हे सुरश्रेष्ठ, सुगंधि से पूरित मनोहर दिव्य चंदन आपके लिए विलेपन को है, इसे प्रीति से ग्रहण करें, ऐसा कहकर प्रभु को चंदन लगावें। हे पुरुषोत्तम, मेरी भक्ति से लाए हुए
केसर से रंगे हुए सुंदर अक्षत ग्रहण करें। ऐसा कहकर श्री हरि को अक्षत दें। प्रभु, मेरे लाए हुए इन माल्यादि चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों को ग्रहण करो। पुष्पों को समर्पित करके फिर अंग पूजा करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु के रूप को धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नीलकंठ, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, टंकना, जानू, जंघा, कटी, मेदु, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाओं, मुख, नेत्र, सिर आदि सर्वांगों को पुष्प लेकर क्रम से चतुर्थर नामों से विश्व स्वरूप जगतपति की पूजा करें। इस प्रकार प्रति अंग की पूजा कर फिर केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। रस गंध से युक्त सुगंध सब देवताओं को सूंघने योग्य इस धूप को आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर श्री हरि को धूप दिखाएं। हे परम धाम, आप सब देवताओं के ज्योति स्वरूप, तेजस्वियों के उत्तम तेज हैं, स्वयं प्रकाशमान परम धाम हैं। यह दीप आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर श्री हरि को दीप दें। हे देव, नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करके मुझे इच्छित वर दीजिए तथा परलोक में परम गति प्रदान करें। और यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें और बीच में जल दें, फिर अंत में आचमन दें। हे ऋषिकेश, स्वर्ण के कलश में लाए हुए गंगा जल से आचमन करो। यह कहकर प्रभु को आचमन दें। हे देव, ये फल मैंने आपके लिए रखे हैं, अतः मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ फल मिले। ऐसा कहकर प्रभु को श्री फल दें। हे परमेश्वर, गंध कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित करोद्धतन ग्रहण करो। ऐसा कहकर करोद्धतन दें। हे देव, सुपारी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया मनोहर तांबूल ग्रहण करो। इस प्रकार तांबूल दें। ब्रह्मा जी के गर्भ से स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फलदाता स्वर्ण को ग्रहण करें और मुझे शांति दें। ऐसा कहकर दक्षिणा प्रदान करें। हे शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम, तीन जगह से टेढ़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं के स्वामी राधा कृष्ण की मैं आरती करता हूँ। ऐसा कहकर आरती करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे भक्तों पर कृपा करने वाले, मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा प्रदान करें। हे नाथ, यज्ञ स्वरूप यज्ञ के कारण श्री गोविंद को नमस्कार करती हूँ। ऐसा कहकर श्री हरि को नमस्कार करें। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्वपति गोविंद, तुम्हें नमस्कार है। ऐसा कहकर प्रभु को नमस्कार करें। क्षमापन निम्न मंत्रों से पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगे। हीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दम यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। नाम मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर नित्य तिलों से हवन करें। पुरुषोत्तम की प्रीति के लिए एवं संपूर्ण अर्थों के फल की सिद्धि के लिए महीने भर तक अखंड दीपक जलावें और निम्न मंत्र से आराधना करें। यस्य स्मर्त्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यून संपूर्णता याति सांध्यो वंदे तमच्युतम्। भगवान जनार्दन को नमस्कार करके प्रार्थना करें। इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाकर जो लोग पुरुषोत्तम मास के आने पर नवीन मेघ तुल्य श्याम वर्ण वाले राजा सहित पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार भक्ति से नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मण को गुरु बनाकर पूजेगा, वह इस लोक में अमित सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाएगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा समाप्त।